जी नाज़रीन, हम यहाँ मौजूद हैं अजीज भट्टी थाने की हुदूद में। ये इलाका हसन स्क्वायर का लगता है जहाँ पर चोरी का वाकया पेश आया है। यहाँ पर ऐनी शाहिदीन का कहना है कि उन्होंने फौरी तौर पर 15 पर कॉल करने की कोशिश की थी, इतला देने की कोशिश की थी, लेकिन 15 का नंबर मुसलसल बिजी आ रहा था, जिसके बिना पर वो चोर आकर डकैती की कोशिश करके यहाँ लोगों ने उन्हें बचाया। दूसरे लोगों को, कुछ लोग जो बैंक से पैसे लेकर वापस आ रहे थे, उनसे डकैती करने की कोशिश की जा रही थी, मौके पर ही फरार हो चुके हैं। आइए यहाँ पर हम ऐनी शाहिदीन से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपने यहाँ क्या देखा, क्या हुआ था यहाँ? यहाँ पर दो मोटरसाइकिलें साथ साथ चलती हुई हैं, हम समझे कि ये टकरा गए हैं या झगड़ा कर रहे हैं, तो कुछ देर में छीना झपटी हुई और एक बाइक पे दो बंदे बैठे हुए हैं, दूसरी बाइक वाले को पकड़ रहे थे, फिर उसने गन निकाल ली। अचानक गन निकाल के उसने डाउन पे फायर किया। ये रोड के ऊपर खड्डा भी पड़ा हुआ है। ये फायर वगैरह हुआ है, यहाँ पर फायर किया गया, कोई जख्मी कोई तो नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन जिस शख्स को वो लोग पकड़ रहे थे उसको नाखूनों से उसके हाथ जख्मी कर दिए थे उन्होंने, लेकिन वो बैंक से पैसे लेके आ रहा था, बाद में उसने बताया, और उसके पास कुछ कैश था तो उसको लूटने की कोशिश की गई, तो उसने रेजिस्ट किया तो उन्होंने फायर किया है ज़मीन की तरफ, और उसने अपना हाथ छुड़ा के वो दूर हटा, तो वो दोनों फायर करते हुए अपनी बाइक पे भाग गए। उसी वक्त भाग गए। और मुझे ये बताइए, ये वाकया आधे घंटे पहले का है, तब से अब तक पुलिस ने अगर कोई नहीं देखा, कुछ नहीं पूछा? कोई पुलिस ने भी नहीं पूछा, ना यहाँ से कोई गाड़ी गुजरी है। और इस वाकये के 5 मिनट के बाद हमारे बराबर वाले दुकानदार ने अपने मोबाइल से 15 पे कॉल ट्राई की, 10 मिनट तक करता रहा, वो कॉल रिसीव कोई नहीं हो रही थी। बहुत शुक्रिया, बिजी लाइनें आ रही थी। बहुत शुक्रिया जी। तो यहाँ पर ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इन्होंने 15 पर कॉल करी, कोई मौसूल नहीं हुई कॉल, किसी ने नहीं उठाई, किसी ने इनकी बात नहीं सुनी, यहाँ पर पुलिस ने आकर पूछा तक नहीं। आधा घंटा हो चुका है इस वाकये के पेश, आप देख सकते हैं यहाँ पर गड्ढा हो चुका है, यहाँ पर फायर किए गए हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी नाज़रीन, हम अब जब अजीज़ भट्टी थाने पहुँच चुके हैं 1 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद, तो हमारे थाने के SHO साहब मौका है वारदात पर मौजूद हैं। उन्होंने हमें अभी कॉल की गई है, हमें 4:45 पर कॉल आई है, जबकि जो वाकया हुआ है वो 3 बजे से भी पहले का है। तो अब वो वहाँ मौजूद है, जो हम थाने में मौजूद हैं, हम चलकर पहले थाने में बात कर लें, फिर हम जाए वकू पर दोबारा जाएंगे और फिर उनसे मौका देंगे। जी नाज़रीन, हम थाने अजीज़ भट्टी में मौजूद हैं और चलिए हम चलकर यहाँ पर DT ऑफिसर से मालूम करते हैं कि 1 घंटे से ज़्यादा हो गया हमने उन्हें कॉल्स की, हमने 15 पर कॉल की, लेकिन कोई इतला मौसूल नहीं हुई, अब तक गाड़ी नहीं पहुँची और हम आज थाने मौजूद हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपके थाने की हुदूद लगती है हसन स्क्वायर पर, जो पुल है हसन स्क्वायर का, बिल्कुल हसन स्क्वायर पुल, मेन हसन स्क्वायर पर जहाँ कारपेट्स की शॉप्स हैं, वहाँ पर अभी एक बंदा, जो 1 घंटे 1.5 घंटे पहले की बात है, बैंक से 2 लाख रुपए अपने लेकर आ रहा था। ऐनी शाहिदीन का ये मौक़िफ़ है कि बैंक से वो 2 लाख रुपए लेकर आ रहा था, 4 लोग बाइक पर उसे डकैती करने आए थे, और इन केस जब उन्होंने कोशिश की डकैती की, उस लड़के ने, उन 2 लड़कों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, तो उसने फायर भी किया, और वहाँ पर खोल भी मौजूद है जो हम लेकर आए हैं। फायर भी किया गया है, वहाँ पर खून भी पड़ा है और वहाँ पर गड्ढा भी है रोड पर। हमने सब कुछ फुटेज बनाई है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, रिकॉर्ड आप चलकर भी देख सकते हैं ऑन द स्पॉट। मेरी पुलिस तो इलाके में गश्त कर रही है बदस्तूर, लेकिन हमारे पास ये रिकॉर्ड है, हम 1 घंटे पहले कॉल की थी, और हमारे पास पहले तो 15 से कॉल ही नहीं उठाई गई। वहाँ जो ऐनी शाहिदीन है, उन्होंने कहा जब वारदात हुई है उन्होंने 3 से 4 कॉल्स की, लेकिन 15 पे कॉल नहीं उठाई गई। जब हम पहुँचे, हमारे जो सीनियर थे उन्होंने कॉल किए तो कॉल उठाई गई, लेकिन 1 घंटे हमने वेट किया लेकिन नहीं आई। जब हम यहाँ पहुँचे, अभी आपकी वैन पहुँची है, वारदात हुई थी? नहीं, हमारे साथ नहीं हुई, लेकिन जहाँ वारदात हुई है उससे बहुत करीब मेरा ऑफिस है, और मैं इसलिए कह सकती हूँ जी हाँ, वहाँ वारदात हुई है। अभी तक कोई आया नहीं है मेरे पास? क्या नहीं आया? कॉलर मेरे पास नहीं आया, क्योंकि कोई रिपोर्ट करवाने नहीं आया, लेकिन मैं आपको मौका वारदात का खोल भी दिखा सकती हूँ, और वहाँ चलकर आपको गड्ढा भी दिखा सकती हूँ, और वहाँ अभी मौजूद वहाँ के लोगों से आपकी बात भी करवा सकती हूँ। चलिए, मैं अभी मोबाइल आपके पास। चलिए, तो हम मौजूद थे थाने अजीज़ भट्टी में, जहाँ पर हमने आकर यहाँ के ड्यूटी ऑफिसर से उनका नाम पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। जब हमने उन्हें उनके इलाके में हुई गई एक वारदात से आगाह किया, तो उन्होंने हमें कहा कि उन्हें कोई कॉल मौसूल नहीं हुई 15 पर, जबकि मौके वारदात पर मौजूद ऐनी शाहिदीन का कहना था कि उन्होंने कॉल्स पे कॉल्स की, लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब ये मोबाइल वैन भेज तो रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, वहाँ ना चोर रहा है ना ही वो शख्स जिसके साथ ये वारदात हुई है। जिस मुल्क में पुलिस वक्त पर ना पहुँचे उसका अल्लाह ही हाफिज। कैमरामैन जुनेद के साथ रिदा गुल, बका न्यूज़, कराची।